लगे हैं और यहाँ खेजियाड़ी गांव पंचायत के गांव में ग्रामीणों को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो पा रहा। वहीं रोजगार नहीं होने के कारण कई परिवार पलायन करने को मजबूर है और ऐसे ही पीड़ित परिवार से बात की हमारे सहयोगी लूणाराम दर्जी ने। जालोर के नहर क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत है, यहाँ के लोग पानी पीने तक को इनको नसीब नहीं होता, ऐसे में ये यहाँ से पलायन करते हैं और पास के गुजरात राज्य में जाके कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर कई परिवार रहते हैं लेकिन उनको पीने के लिए पानी नसीब नहीं होता, इन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुँचती। ये एक परिवार है, आप देख रहे होंगे ऐसी स्थिति है कि ऐसे तेज़ गर्मी और इस तेज़ गर्मी में पीने के लिए पानी इनके पास नहीं है, मटके खाली पड़े हैं। पीने के लिए पानी के लिए दुगुने दाम देकर दूरी से टैंकर मंगवाना पड़ता है, कोई पाइपलाइन यहाँ तक नहीं पहुँचती और पाइपलाइन के साथ ही सरकारी योजनाएं, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जलदाय विभाग का सरकारी सिस्टम कोई इन तक नहीं पहुँचा है। पानी कितना दिनों आवे कदे नहीं आ तो पानी है ना को बीजे बिल्कुल दुखी हूँ, बिल्कुल दुखी हूँ। आज 20 वर्ष रोजगार नहीं है, रोजी है नहीं, पानी है नहीं, मजूरी है नहीं, रोजी है नहीं, पानी है नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल दुखी मन, बिल्कुल आपकी दुखी है। आज 20 वर्ष हुआ है मैं दुखी हूँ। कोई सरपंच को साथ है ना कोई गांव में हमारा हक है, घेजियाड़ी में कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं हमारे गरीब पानी को सुनवाइए। हाँ ये स्थिति है, पानी नहीं है क्योंकि पीने के लिए भी पानी नहीं है, स्नान करने के लिए पानी की तो दूर की बात है। कितने साल हुए इतने? मैं तो 3-4 पीढ़ियाँ हुई है और पानी नहीं है। गुजरात मवेशी है, थोड़ी थोड़ी बकरियाँ भैंसा बे भी चार गुजरात ले जाओ, उठे मजूरी करे हमें जाया और छोरी बीमार थी तरी लेने आया और पानी 400 रुपया टैंक कर लेने मंगावा पानी पीवे ढोर। रोजगार भी जो की नहीं, कोई सरकार हमारे साथ नहीं है, कोई सरपंच रो है नहीं, कोई रो नहीं। तो रोजगार वास्ते कटे जाओ गुजरात, उठे मजूरी करा, खेती करा, उठा लावे ने उठे पूर्त करा। और ये स्थिति है इस गांव की, खेजड़ियाली ग्राम पंचायत का ये गांव है और ये स्थिति है, ना पानी है, बिजली भी कभी कभार ही आती है, जरूर कनेक्शन सरकारी योजना से मिला है लेकिन कभी कभार ही बिजली आती है, पानी पीने तक को नसीब नहीं होता और ऐसी तेज गर्मी है, रोजगार नहीं है, मनरेगा नहीं है। ऐसी स्थिति में इनको यहाँ से पलायन कर पूरा परिवार गुजरात जाता है, वहाँ से कृषि कार्य से जरूर एक साल वहाँ मजूरी करता है और उसके बाद में वापिस आता है, वापिस जाता है, ऐसे प्रक्रिया इनके लिए चलती रहती है। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि सरकारी जो योजना है वो इन तक नहीं पहुँचती, भले शिक्षा की हो, चिकित्सा की हो, इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसी स्थिति है इनकी। कैमरामैन विष्णु मालिक के साथ लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जालोर। और खबरों का सिलसिला